हमारे गांव में भी रात को आवे होगी 10 फुट का गांडा हो उसकी उसको खेच के 25 का कर गया, कई बार 25 फुट का गांडा का कर गया। गेहूँ हो गया 10 मणे, योगी आवे रात को फूंक मारे 25 मणा कर गया। ये झूठ तूफान क्या बोल रहे हैं? अरे डीजल खरीद रहे हम 90 रुपए, क्या कर दिया इसने? डीजल खरीदे 90 रुपए, क्या कर दिया? देश में कोरोना चला, ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पताल में दवाई नहीं थी, 2000 का इंजेक्शन 40000 का बेचा इन्होंने। इन्होंने क्या कर दिया? किसी का किराया इन्होंने छोड़ा नहीं, फीस इन्होंने माफ़ करी नहीं, तेल के भाव इन्होंने बढ़ा दिए। और फिर कहते हैं टीवी पे बोल के हरामी कि मोदी जी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, क्यों? किसी फील्ड में कबड्डी लड़ रहा? अरे जनता खुद ही लड़ रही है, खुद ही मर रही है। इस देश में वो संकेत दे देता पहले कि आत्मनिर्भर बनो, इसका मतलब अपने आप करो, सरकार कुछ नहीं करेगी। मलिक जी आखिरी सवाल आपसे, चंदा बढ़ रहा है आपस में, ट्रस्ट में घोटाला हो गया 15-16 करोड़ रुपए का। नहीं, ये क्या घोटाला? अरे 2 करोड़ की जमीन खरीद दी, 10 बजे 11 बजे 18 की बेच दी, वो घोटाला थोड़ी क्या है? इनसे नू पूछ के, इनके कान पकड़ के नू पूछे कोई भ्रष्टाचारी हो? अरे कितने गुना हो गया, मंदिर के पैसे भी खा गए। ये इस देश में कुछ छोड़ने वाले, राम को ये खाएंगे, राम के नाम को खा रहे हैं, मंदिर के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मंदिर तुम्हारे दिलों में, हर हिंदू के मंदिर हमारे घरों में। सवेरी हाथ जोड़ ले किसान, हल हल लेकर जाने से पहले 4 बजे उठता है। ये कम से कम केवल ढोंग करके बाजीगर की तरह पब्लिक को बेवकूफ़ बना के देश को लूट रहे हैं, दूसरा इनका कोई काम नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि जो घोटाले कर रहे हैं उनकी हम हिस्ट्री पूछ रहे हैं। अरे चोर पकड़ा गया, जेब काटता हुआ यो पकड़ा गया चोर, ये कहेंगे इसका तो धन बहुत है, यो जेब क्यों काटेगा? अरे जेब कतरा होता है, चाहे लखपति हो चाहे अरबपति हो, ये हैं जेब कतरे लुटेरे चोर, इन्हें सुधर जाना चाहिए। और नहीं तो ये जनता वो है, इन्होंने अंग्रेज सुधारे, इन्होंने मुगल सुधारे, इनकी तो बिसात क्या है। जिस दिन जाएंगे सारी जनता चलेगी दिल्ली की तरफ, और सुनो ये वो भारत देश है, यहाँ जर्नल डायर से हिसाब किताब इंग्लैंड से भी कर लाए थे। अगर कहीं और चले गए ना हिसाब किताब, उधम सिंह वहाँ भी करने जाएगा। मेरा नाम श्रीमती प्रभा देवी कुशवाहा। अब प्रभा देवी जी कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से। कोई संगठन भी है आपका, किसान आंदोलन में है आप? हम खाली एक साधारण कार्यकर्ता है, कोई पद नहीं मेरे पास है, हम केवल संपित है इस किसान यूनियन से, मेरे को मतलब दिल से तहे दिल से इनमें जुड़े हुए हैं आप। हाँ हम किसान हैं। कितनी आप पर? एक एकड़ है। एक एकड़ है तो इस बार MSP मिली गेहूँ की? जो मिले हैं मोदी जी ने दिए हैं वो हमको, आपको क्या बताए, उससे तो इतना खुश हुए हैं। आप देखिए ना, 2000 की लालच दे के पब्लिक को मार रहे हैं। अच्छा। हाँ अब पहले जब वोट लेने आए तब ये बताएं जो कि नए युवा पीढ़ियों को नौकरी देंगे, जे करेंगे वो करेंगे, कितने नौकरी मिले है बच्चों को आप बताइए। मोदी सरकार में आंटी देखो, एक तो गरीबों को सिलेंडर मिले हैं गैस की, और गांव-गांव बिजली पहुंच गई है। वो सिलेंडर ना दे के बच्चे जो बेरोजगार है उनको रोजगारी करते, एक सिलेंडर दिए हैं 1000 रुपया की, हम कहा तो 2000 की होंगे, उसने 10 हजार की, यानी लाखों करोड़ों को जिंदगी बर्बाद की है। बर्बाद कैसे? हाँ बर्बाद ऐसे हुई है, वो लालच में उसके गैस की लोगों ने लिए तो गैस फ्री में मिल रहा है, फ्री में। अब जो 250 रुपया में गैस सिलेंडर हमने देखा है, अब 900 में 1000 में गैस सिलेंडर बिक्री तो होते हैं। लेकिन मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? हाँ इतना अच्छा काम किए हैं पैदा करके, उसकी माँ ने पैदा किया, हमने पैदा किए, पूरा कुल को लजा दिए है इसने। किसने? मोदी ने दूध को लजा दिया है। वो तो कहते हैं फकीर है, कहाँ की फकीर, इतना गुस्सा क्यों है मोदी जी के प्रति? मोदी जी के पीछे गुस्सा ऐसे है, देखो जाके बुजुर्गों बेचारे बिस्तर में मरते पड़े हैं, हमारी घर में है, हमारी पिता समझे कोई समझे पड़े हुए है, साला कोई भी नहीं है घर में, साथ नहीं है, रोज लालच देते हैं हम तुम्हें वो देंगे जे देंगे, किसी को देखा है कि निकाल के? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी ने तो और उससे भी आगे, वो तो योगी है, वो तो रोज वो कश्मीर में वैष्णो माता में वो अपनी तप करेंगे कि हमारे सबको देखेंगे। तो आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुए। अच्छा जी, और मोदी जी कह रहे हैं विकास हो रहा है सरकार, देखना चाहो हमारी प्रॉपर्टी निगोई की हम आए, अब जाके देखो मेरे जहाँ पर हम रह रहे हैं उस गलियों में, अब जाके देखो अब पैर नहीं रख पाओगे। तो ये सरकार के वादे सब झूठे हैं क्या? पूरा झूठे, इतना भी सच होते हैं तो हमने सरकार को वोट दिए है, बड़ी खुश से दिया है, क्योंकि अटल जी के जमाना में जो थे थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो हमने मोदी जी को वोट दिए, सोचा था ये कुछ करेंगे, मगर इसने जो किया है
70 साल में सबने गड्ढा खुदे है। लोग पसंद क्यों करते हैं फिर सर? कोई नहीं पसंद, जब किया है तब किया है, आप कोई नहीं पसंद करते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देने, किसको दोगे फिर वोट? देखा जाएंगे वो समय आएंगे बताएंगे। आंटी हाँ? आप रेडियो सुनती हैं? हाँ तो सुनती हैं। मन की बात सुनती हैं मोदी जी की? हाँ, मन की बात हम टीवी देखते हैं, बंद कर देते हैं। और सुनोगे मेरे से? किसको? मोदी की। दुनिया को समाचार सुनेंगे उसके देखते हैं, वो मन की बात ना, वो तो अपनी बात करते हैं, उसके अपनी मन की है। आपका सुना है, आपका सुना है, आप मीडिया वाले हो किसी माँ की बेटा हो, मीडिया वाले आप बने हो, किसी माँ की बेटा है आप। दिल से अपनी दिमाग से पूछिए, दिल से पूछिए जिन्होंने करा क्या। आंटी आपके जो जैसे बेटे हैं ना, बेटी हैं जो यंग है, युवा पीढ़ी है, वो ये कहती है हर हर मोदी, घर मोदी, मोदी जब कहा था, हाँ जब कहा था तब। आप जाके सुनो क्या कहते हैं। कहते हैं मोदी हैं मजबूत प्रधानमंत्री, ऐसे मजबूत है, उसने बीवी को छोड़ दिया, माँ बूढ़ी है, वो पड़े है, वो अपनी करोड़ों को देश पहने हैं, जो आप कुछ करो तो उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। एक बात बताइए, आप महिला हैं, गांव में बैठती होंगी, हाँ? महिला क्या कहती हैं? महिलाएं आप सरकार के प्रति महिलाएं जो कहते हैं भैया, हमारी जुबान तो थोड़ा बहुत सुनी लिया है देहाती भाषा में, इससे भी गंदी जुबान मत कहते हैं। हाँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। ऐसे खत्म उसने क्या किया है? उसने सबको अपने हाथ में लिया, बेच के बस अपना पूंजीपति बना गए, पूंजीपतियों को साथ दिया, गरीबों को साथ नहीं दिया। सरकार कह रही है जो हम सामान जो बेच रहे, निजीकरण कर रहे हैं, उससे अच्छी सुविधा मिले। काय की सुविधा मिले वो बताया, क्या क्या सुविधा है इसमें? रेल में सुविधा बढ़ी है, सुविधाएं पहले 100 रुपया में किराए में बम्बई पहुँच जाते थे, अब 1000 रुपया में शाहजहाँपुर से निकोई नहीं आ पाए, शाहजहाँपुर से दिल्ली नहीं आ पाए रहे, जो सुविधा करते हैं उसने। ये रेल में सुविधा। अब आप बॉर्डर पे आई हैं, क्या कहोगी सरकार से? सरकार से हाँ। वही जो आपसे कहा है वही कहेंगे। क्या कानून वापस हुए? नहीं। हाँ कानून वापस चाहिए, हमारी चीज हमारी हक है, हमारे कानून वापस ले, उनसे हमारी कोई वो नहीं है, वो हमारी कोई निजी बुराई तो है नहीं, सामाजिक बुराई है। अगर सरकार ने वापस कानून बनाए, स्वामीनाथन नहीं करे, नहीं करे तो फिर आगे देखा जाएंगे, जो हमारी ऊपर जो हमारे पीछे वाले कहेंगे वही करेंगे हमारी। आंटी जी नेता वो कहते हैं कि मोदी से पाकिस्तान भी थर्राता है, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में डंका बजता है। पाकिस्तान थर्राते होंगे, हिंदुस्तान नहीं थर्राता। किया क्या है सब, चीन के हाथ में आधे वो आप बंद करवा दिए, कह दिया हमारे कोई बंद नहीं, हमारे कोई बंद नहीं, ठीक है निकले।